और कल मैंने व्रत किया हुआ था, शुक्रवार का व्रत, और मेरा 7 शुक्रवार का व्रत हो चुका है, बाकी के रह चुके हैं 4 शुक्रवार, तो उसे भी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं हम, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत, तो ये भी आसानी से हो जाए। तो चलिए, इसीलिए चेहरा ऐसा सूजा सूजा लग रहा है। ये फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन का हाल, गार्डन दिखाते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आई हूँ टेरेस पे अपने प्लांट्स को देखने के लिए। कौन कौन से फ्लावर्स आए हैं प्लांट्स को बादल। मॉर्निंग का समय है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं, अभी तो लगातार डेली बारिश हो ही जा रहे हैं। तो ये कली आई हुई है फ्लावर्स में, आज ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं गेहूं के आटे का इंस्टेंट डोसा, और उसके लिए हमने यहाँ ऑयल चढ़ा लिया है। इसमें आलू मसाला तैयार करेंगे और यहाँ पर आयरन तवा चढ़ाया हुआ है हमने डोसे का, और इसी में हम डोसा बनाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें हमने राई और जीरा डाला हुआ था पहले से, अभी डाला हमने उड़द दाल, और आलू को भून लेंगे हम, आलू मसाला तैयार करेंगे। कड़ी पत्ता डाल दिया हमने, तो अब चलिए कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें हमने डाला है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें हमने डाला है आमचूर पाउडर, और यहाँ पर साथ में डाल देते हैं ये टैमरिंड पेस्ट 1/4 चम्मच, और आलू को डालकर नमक के साथ भून लेंगे, मसाला तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये थोड़ा सा कड़ा है आलू, और इसका मसाला हमें थोड़ा ढीला चाहिए, लूज चाहिए। तो देखिए कैसे हम प्रॉपर तैयार करते हैं, इसमें डाल देते हैं हम बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नमक हमने इसमें डाल दिया पहले से। तो हमने इसमें खटास के लिए आमचूर पाउडर और थोड़ा सा टैमरिंड पेस्ट डाला हुआ है, और ये हमारा आलू मसाला तैयार हो गया है। और फटाफट से तैयार कर लेते हैं डोसे, हम ये डोसे तवा पर तैयार करेंगे। तवे टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमने इसमें पानी का छिड़काव किया है, और इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब देखिए एक लैडल की मदद से इसे हम फैला लेंगे, और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी डोसा तैयार होते हैं। और ये पहला डोसा हमारा तैयार हो चुका है, दूसरा डोसा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। उससे पहले तवे को पोंछेंगे, तवा गर्म लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर हम पानी छिड़क कर हम पोंछ लेंगे ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और दूसरा डोसा भी इसी तरह से फैला लेंगे। सुबह सुबह आटे का ये डोसा मॉर्निंग में बहुत ही हेल्दी रहता है खाने के लिए, और बहुत ही आसानी से इंस्टेंट तैयार भी हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बनाना, आप भी बना सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप आटा, गेहूँ का आटा, उसमें डाला 1/6 चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा नमक, और उसे मोइन जैसा तैयार कर लिया, अच्छा क्रस्ट जैसा, क्रम्बल जैसा तैयार कर लिया है सूखे। और क्रस्ट तैयार करने के बाद उसमें 1/2 कप दही और थोड़ा सा पानी डालकर एक डोसे का बैटर जैसा तैयार कर लिया है। उसमें डाला है हमने 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ही डालना है 1/2 छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो ये डोसे सही नहीं बनेंगे। 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, और ये डोसा बैटर तैयार हो गया है।
आज लंच में है करेले आलू की भाजी, परवल की भाजी, और यहाँ पर हमने दाल फ्राई कर लिया है, दाल चावल रेडी है और भाजी तैयार करने जा रहे हैं और चढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर मैं आलू बॉयल कर रही हूँ, शाम को डोसा बनाऊंगी उसके लिए। चलिए भाजी तैयार कर लेते हैं। और ये कुछ बर्तन हमारे धोने को हैं तो इसे तैयार करने का बर्तन धोएंगे। इडली का कुकर है तो ये सब हो रहा है सुबह से, तो भाजी तैयार कर लेते हैं। और ये आज का लंच का मेन्यू, और थोड़ी सी चटनी है सुबह का, जो इडली बनाए थे ना उसका जो चटनी बचा हुआ है, तो यही है लंच में। तो मैं चैनल और आज मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है दिन शनिवार, 18 जुलाई 2020। अभी शाम का समय है, मैं टेरेस पर हूँ और टेरेस पर मैंने सोचा कि आज कुछ आप लोगों के साथ बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं, थोड़ा सा हैप्पीनेस शेयर करते हैं। गम तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हैप्पीनेस बहुत कम होती है, खुशी बहुत कम होती है मनुष्यों के पास। और इंसान है जो गम शेयर करना नहीं चाहते हैं और हैप्पीनेस सोचें, थोड़ा सा हैप्पीनेस है तो उसे आप लोगों के साथ शेयर करें, बांटें, तो और ही हैप्पीनेस बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी। तो इसी के लिए आज मैं एक छोटी सी खुशी है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इतने लंबे समय का लॉकडाउन आप लोग कैसे बिताएं, कैसे घर पर रह रहे हैं, कैसे हैं आप लोग सभी बताइएगा। हमारा तो चल रहा है जैसे तैसे, घर में बैठे बैठे थोड़े से डिप्रेस्ड, थोड़े से टेंशन, बहुत सारे कुछ चलते रहते हैं, तो ऐसा ही चल रहा है हमारा। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, आप लोग सेफ है कि नहीं, क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है, कुकिंग चैनल है, कुकिंग एंड ब्लॉग्स गवीता, उस पर भी आप लोग जाकर हमारे वीडियोस को देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। ऐसी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको घरेलू तरीके से कोई भी रेसिपीज आप लोगों को शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है आप लोगों को समझाते समझाते, आप बोर मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को मैं आसानी से बताने की कोशिश करती हूँ। तो उस चैनल पर भी आप जाकर आप हमारे सब्सक्राइबर आप बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ इस चैनल पर तो व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल यूट्यूबर रविता को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो है बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। और कुकिंग एंड ब्लॉग्स वाले चैनल के सब्सक्राइबर्स ने भी बहुत ही सपोर्ट दिया है, बहुत ही प्यार दिया है, और आगे भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एवरेज व्यूज़ दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो रिकॉर्ड है अच्छा बना रहे। तो यही आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट। और हमारे इस ब्लॉगिंग चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ऐसे देखकर आप लोग चले जा रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं इसे भी डालती हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियो डालती हूँ हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में, हमारे कैसे हम लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली कैसे सर्वाइव करता है, सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, पहले आगे की वीडियोस मैं डालूँगी। तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चैनल में एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आज शाम के लिए, शाम के मैं डिनर में क्या प्लानिंग कर रही हूँ, डिनर में क्या बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वीडियोस के लिए क्या बना रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, अब शाम का समय है, थोड़े से थोड़ी देर और छत पर रहेंगे उसके बाद हम चलेंगे नीचे। और अभी देखिए शाम हो रहा है, दिखाते हैं आपको। गार्डन की कोई केयर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही सब पड़ा हुआ है। एक समय था कि मैं गार्डन की बहुत केयर किया करती थी, अभी मैं वैसे ही छोड़ चुकी हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। और ये रहे गार्डन का
हमारे टेरेस गार्डन का छोटा सा व्यू। तो छत से आने के बाद हमने बनाई है अपने लिए ये आलू बादाम मूढ़ी। शाम का समय है तो नाश्ता अब यही करेंगे हल्का सा, और चाय मुड़ी या मुड़मुड़े कितनों को पसंद है चाय के साथ मुड़मुड़े, कमेंट करके बताइएगा चाय मुड़मुड़े किनको पसंद है। और ये आलू वाली मुड़ी मसाला मुड़ी या मुड़मुड़ा कितनों को पसंद है वो भी बताइएगा। तो एंजॉय करते हैं, अपने लिए बनाई है चाय हमने और सभी ने चाय एंजॉय कर ली है। 4 बजते ही सभी को चाय चाहिए तो मैं थोड़ी लेट से चाय पीती हूँ, तो चाय पीते हैं। चाय पीने वाले देखते हैं क्या बनाया जाए डिनर में, चाय पी लेते हैं। डिनर हमारा रेडी हो चुका है। डिनर में हमने आज बनाया है मटर के छोले, आलू मटर के घुघनी जिसे बंगाल में कहते हैं, आलू मटर की घुघनी, और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बने हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो हमारे कुकिंग चैनल कुकिंग एंड ब्लॉग्स पे कविता में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ इसकी रेसिपी डाली हुई है। तो बहुत ही अच्छे जाते हैं ये रोटी या पराठे के साथ। और यहाँ मेरी रोटी बनकर तैयार है, मैंने रोटी पकाई आज, पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं। तो व्रत के बाद प्लेन खाना सिंपल खाना खाना ही मैं प्रेफर करती हूँ, और रोटी तैयार है। और अभी सभी कोई खाना नहीं खाएंगे, थोड़ी देर के बाद खाएंगे, रुक कर खाएंगे, अभी बज रहे हैं 9, तो चलिए।